need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? हेलो गाइस, वेलकम टू द जेमेडी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन मूवी के बारे में। तो उससे रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया है, और देन जो अपडेट आया है उसमें लग रहा है कि हाँ, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के कुछ कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं, वो भी स्पाइडरमैन मूवी में। आप सब जानते हो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर 4 में जो हुआ वो काफी दिल दहलाने वाला था। भले अभी एवेंजर 4 रिलीज तो नहीं हुई है, बट मैं आपको एवेंजर इन्फिनिटी वॉर को देखते हुए बता रहा हूँ। और देन अब एवेंजर 4 में हमें क्या देखने को मिलेगा वो भी हमें पता नहीं है। बट उसके बाद अच्छी न्यूज ये है कि एवेंजर 4 के मरे हुए जो कैरेक्टर है, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के जो मरे हुए कैरेक्टर है, वो वापस आ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, सबसे पहले निक फ्यूरी और मारिया हिल। तो निक फ्यूरी मारिया हिल के अभी तक हमें सिर्फ कौन सा पार्ट या छोटे से क्लू मिलते थे प्रूफ के साथ, बट अभी हाल ही में कल रात को पूरा एक प्रॉपर वीडियो रिलीज हुआ है, जो कि जिसमें कि रिवील्ड होता है कि निक फ्यूरी मारिया हिल स्पाइडरमैन मूवी में होंगे। और देन इनकी कॉस्ट्यूम काफी अलग है, और मुझे नहीं लगता कि ये शील्ड के अंदर है, ये सिर्फ एक अपने सीक्रेट लेवल पे काम कर रहे हैं, इससे तो यही रिवील्ड होता है। और देन इनकी कॉस्ट्यूम देख के इनकी बॉडी पर कोई भी शील्ड का लोगो भी नहीं है, तो इससे काफी ज्यादा जाहिर होता है कि शायद निक फ्यूरी दोबारा से एक नई टीम अप मूवी बना रहा है, जिसमें कि वो स्पाइडरमैन से मीटअप करना चाहता है और एक नई एवेंजर टीम खड़ी करना चाहता है। तो गाइज आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।